सब मैंने वोट दिया ओरबान जिताया, दोबारा क्यों मैं मारे काम हूँ और मारे नाम वोट मांगू, दोबारा आपके नाम कर आप जो काम करियो भी का वोट मांगे। राहुल जी गांधी का मांगेगा तो मन था को नहीं, पर जावा जो आ जरूर था है क्या भाई मारो मायरो भर दीजियो। पर मायरो आप लोग जानो मायरो एक बार ही भरी जाए और एक बार ही भी को भरी जाए जका को पीर आलो मेल जोल ठीक हुए पीर में पानती नहीं रखे त्याग कर देवे ना भी को मायरो बढ़िया भरी जाए। बे अपने सीट ना को राली पानती भी लेवे और मायरो भी चावे तो दोनों काम बैठे को नहीं। बे बार टिकट तो हरियाणा ने जोर ले बण बठे भी बांगे गडंगो पसेड़ हो मामलो बटे सीधो कोनी हो, बट बे अपना बयान जी है सासू जी बे बीजेपी हूं चुनाव लड़ा बटे उतरान नालो काम होए तो बहुत हेलो कर दीजो। पिछला पांच साल हो मैंने कोई फोन करने भी कोशिश करी तो फोन को नहीं उठाता, फोन नंबर दूसरा रहा और अतो बड़ो पंचायत है अतः बड़ा संख्या में मिनक है। मैं जानू शायद ही कोई कांग्रेस के कैंडिडेट हूँ पिछले 5 साल में डूबो जो मैंने कोई बात करी उली जल्दी अडबिश हूँ नौजवान मैं इसे बता दिया जगह एमपी का कैंडिडेट नहीं भी आड़ मान जी तो कोई संपर्क में और बात करी लाखियान का लाची फोन करता जरा कहता मैं राजनीति छोड़ दी राजनीति के बारे में हम बात नहीं करनी राजनीति बहुत गंदी चीज है राजनीति कोई सड़ी होगी या माने कोई ब्रह्म ज्ञान मिल गयो तो अब सगड़े जावे भी है और स्पीड पकड़ में ली अपन जगह कैंडिडेट मिले है सब लोगों की सुनमाला जिथे भी काम पड़े सरकारों विरोध भी करना पड़े तो आपके लिए तैयार मिले। एक बहुत बड़ी बात है कि खेवसर हूं 3 बार एमएलए को चुनाव लगातार जीतनो 5 साल में लोग सरपंच नाराज हो जावे दाब जावे ओ कोनी यो मारे ओ कोनी यो नाराज हो जावे 3 बार एक ही जगह लगातार चुनाव लड़नो और पिछलो जगह बार चुनाव लड़ियो इमें फार्म भरने के अलावा खेवसर में कठे प्रचार करने कौन गया आ एक बहुत बड़ी बात है। अब आप देखा एमपी के चुनाव में मुख्यमंत्री तक एक गलियंग माई घूमे कोई वोटा को मुश्किल हो रही है तो की है आदमी में जान है की दम है इतना लोग तीसरी बार चुनाव जीता है। धन्यवाद धन्यवाद राम राम साहब। स्कॉर्पियो गाड़ी HR नंबर की हरियाणा की है वो कोई रास्ते से थोड़ा सा दूर कर लें ताकि किसी को व्यवधान नहीं हो। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे लाडनू के उद्बोधन दें ठाकुर मनोहर सिंह अब लोकसभा का प्रत्याशी माननीय धनिया साहब प्रधान श्रीमान प्रताप सिंह जी पूर्व प्रधान दिग्विजय जी बुल्डक सम्मानित मंच लेकिन पहली बार देखे हूँ तो मैं साथ लोगों का स्वागत है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने तो आप विचार माननीय आप कहती हूँ कि आप सारा बोल अपना भी चलिए आप बताओ आप लोग बताओ आप बताओ सब धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आगे माननीय करो आप विश्वास कर रहा हूँ आप हमेशा साथ रहे पड़ा है हमेशा साथ रही आप कोई चीज कभी कर दिया है राजस्थान सरकार कांग्रेस की है तो कोई भी है आप कांग्रेस के लोग आप वोट दिखाना आप एम पी बनी हनुमान जी बेनीवाल पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से गंगा बहनी चाहिए। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं हमारी कोशिश सूरत कैसे बदलनी चाहिए। हनुमान जी बेनीवाल बोलते जादी महाराज की जय। गुरु जी आ गए आपके चहेते आपने
आपस पैदा जो आओ सबसे पहले तो रिंगन गांव के अंदर जो आपने ऐतिहासिक जानदार शानदार स्वागत किया और बग्गी के अंदर बिठा के लाए, मैं धन्यवाद देता हूं रिंगण गांव के मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का और 36 कौम का कि आपने जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया। यह उपस्थित ठाकुर साहब मनोहर सिंह जी, जगन्नाथ जी बोडक साहब, प्रताप सिंह जी प्रधान जी, बीएल भाटी साहब, भाई देवराम जी, प्रेम जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ कि एक आध चूक जाऊंगा वो फिर आगे निकलने का रास्ते, सम्मानित मंच सकूर तो नाराज हो जाए, बैठने में 15 मिनट पसंद कर रहा हूँ। बागड़ा जी मुन्ना जी का यार मुन्ना भाई खड़े, मुन्ना भाई तस्लीम, पीठ दिखा के नहीं भागेगा आगे दिखाएगा। विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ दिन पहले भी आपने मुझे आशीर्वाद दिया और आज चुनाव का दूसरा दिन है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दो दो दिन देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन दो तीन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं एक एक दिन दिया और लास्ट दिन उसमें सारा मामला ठीक हो जाएगा। तो लास्ट में मुझे लग रहा है कि जो बची हुई पंचायत है वह हेलीकॉप्टर की सफाई करनी पड़ेगी, पंचायत है बहुत बच गई और दिन सिर्फ 3 है अपने पास। और कल मैं बीकानेर के अर्जुन मेघवाल जी, सीकर में बाबा सुमदानंद जी और जयपुर ग्रामीण के अंदर 3 जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए खेल सरकार विधायक वहां की धरती पे भाजपा के लिए वोट की अपील करने के लिए जाएगा। भाइयों मैं तो बाहर कमल खिला रहा हूँ लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि नागौर में मेरा टायर पंचर हो जाए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। वैसे तो टायर बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा था, किसका रखा था? डॉक्टर आचार्य जी अगर मंत्री बने विधायक बने तो उसमें तो मेरी बात हो गई थी पहले ही, तो मेरी भी भूमिका है। नहीं हो कि वो फोन पान कर दे और फोन तो देखो फोन तो मदद की जिन्होंने समय रहते मेरे से बात करी, मैंने कहा की है आधे कहते हरियाणा की है, कोई कहता दिल्ली लोकसभा के अंदर जाएगा तब नागौर को जान जाएंगे। इस तरह देख के आपके भाई ने -2 डिग्री ठंड पूर्ण कर्जा माफी मुफ्त बिजली टोल मुक्त राजस्थान मेरे कैसे मिले विकास का पैसा गरीब आदमी तक कैसे जाए, कोई दिक्कत नहीं भाइयों। बोतल ले तो क्या हुआ, मुझे टायर मिल गया, ये टायर गतिमान है, ये 24 कमल के फूल लेके दिल्ली जाएगा और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और मिशन पूरा होगा। अब जब ये चुनाव आए उसमें मेरे सामने ये संकट था, मैं किसका साथ दूं, कांग्रेस से भी बात करी गठबंधन की, मैंने तोड़ दिया गठबंधन, मैंने कहा मेरी सत्तों में गठबंधन होगा, मैं किसी के दबाव के अंदर गठबंधन नहीं करता, तुम तो राष्ट्र विरोधी हो तो मेरी सत्ता मनवाऊंगा। वो माने नहीं, गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं पहले से रहा हूँ, मेरे संबंध अच्छे हैं बीजेपी के अंदर, उन्होंने तुरंत बात करी और एक ही बात करी कि आपको खुद को नागौर से लड़ना है और बाकी जगह मोदी जी को सपोर्ट करना। भाइयों 4 तारीख को गठबंधन हुआ और पड़ोसी का सट्टा मार के
राजस्थान में बीजेपी की 14 सीट बता रहा था और 5 तारीख को सट्टा मार्केट ने 19 सीट बता दी कि 19 सीट जीतेगी क्योंकि आरएलपी बीजेपी के साथ चली गई और अब 23 बता रहा है और 6 तारीख को जब वोट होगा तो 25 हो जाएगी पूरी 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की और एक टायर आएगा और 24 कमल आएंगे टायर बार बार ट्यूब पे मोदी जी दिखेंगे कहीं कहीं मैं भी दिखूंगा बीच में गठबंधन है ना आरएलपी अकाली दल बीजेपी शिवसेना भाजपा आरएलपी बीजेपी राजस्थान तो आपका मान बढ़ाएगा ना बढ़ाया ज्योति मिर्जा तो थैला लेकर खड़ी रहती किसी घर के बाहर क्या मान बढ़ाएगी पता आपको ये तो मान हनुमान ने आपका बढ़ाया मायरा भरने की बात करी है 70 साल इस नागौर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने पीने का पानी भी नहीं है मेरे भाई रोजगार के अभाव के अंदर कोई तो पूना के अंदर जा रहा है कोई सूरत अहमदाबाद के अंदर मजदूरी करके अपने परिवारों का पेट पाल रहे इसके लिए गुनेगार है ये लोग गुनेगार है जिन्होंने नागौर के अंदर राज किया भाइयों एक एक चीज को समझना होगा समय चला गया तो 5 साल तक उसके बाद कोई इलाज नहीं होता एक बार तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता और गया वह समय वापस नहीं आता और आपके भाई के जैसा लड़का इस प्रदेश के अंदर कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं आह्वान करता हूँ कि पूरे पूरे छत्तीस कौम के भाई मोदी जी को मजबूत लोगों के पेट में इस बात का दर्द हो गया हनुमान पहले बात करता था और पार्टी बढ़ाई राजपूत भी लड़ाई 3 गुजर अगर इसने एकता करा दी तो ये काबू में नहीं आएगा तो पेट कोई दिक्कत नहीं लेकिन पुराना कभी फेल जाता है बता देना वो थानेदार नहीं रहेगा तो मेरे लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करेगा तो 3 घंटे में खड़ा छोड़ देगा ये मैं आपको भाई लोग चिंता करने की आप चिंता नहीं है हनुमान बेनीवाल वो नरसी किराड़ है कटुमर से चुनाव लड़ते हैं उधर बैठा ना सामने दर्शन नरसी खड़ा होगा रामा समर कर लें अलवर से इसके हेलीकॉप्टर उतारा था मैंने अलवर अगली बार दिया वैसे तो एक बार भरते दो बार भर दिया तीसरी बार मायरा नहीं भरते मैं मेरी माता है मैंने जो मातृशक्ति मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है ससुराल चली जाती है तो या तो वो मायरा की मांग करती है बार बार और मायरा की जब बार बार मांग करती है तो बिना से पांती नहीं मांगती मानती है पांती दोनों काम नहीं होते तो ये तो मायरा भी मरवा रही है पांती भी मांग रही है और पांती लेने के बाद गाय हो कैसे अगर गलती से बात करना चाहोगे बात नहीं होगी आप लोगों से इसका घर नहीं बाहर नहीं कहां ढूंढोगे बताओ आप बाहर में कहोगे गलत एमपी बना दिया ऐसा काम ही क्यों करो पहले इसको यहीं रख दो इसको चुनरी उठा के ससुराल भेजो मंगल गीत गाना 6 तारीख को पावना रुको एक मिनट पावना उठी के हाथ का फलका खाए ना बहुत दिन रुका बंद हरियाणा माने रोटी भावा को नहीं आगा हाथ के बिना बहुत परेशान है बेचारा महीनो 1.5 महीनों क्या कर दिया वो काम अपन करना सबने है
कुड़ा को मेरा को नहीं और तो जगन्नाथ जी बता सके हाथ रखता है मैं तो सागर उड़ो मायरो भर में मायर है जगन्नाथ जी भाटी साहब पर माना गया था मायरो पर मांगे सामी होती तो पर हमने ड्यूटी उन्हें देखा देखा लोग सागर सबके खिलाफ दो दिन पता नाम हनुमान बेरी वाले 300 गाने आपके भाई पे बन गए राजस्थान के अंदर लेकिन ज्योति मिर्जा पे फिल्म बन रही है मेरे पर भी पिक्चर नहीं बनी फिल्म 6 तारीख को शूटिंग पूरी हो जाएगी नौजवान मिलकर 6 तारीख को 6 बजे तक फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे 23 तारीख को फिल्म रिलीज होगी जगन्नाथ जी भेड़ा रिलीज करना सुबह 9:30 बजे 2:40 बजे फिल्म का नाम उसकी मुख्य नायिका ज्योति जी मिर्जा है 2:40 और भेजने वाले अपन सब होंगे नागौर की आम जनता होगी मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहेगी यही कहूंगा आगे भी खूब कार्यक्रम है करता हूँ वो करता हूँ इसलिए तो हनुमान को इतना प्यार राजस्थान की जनता करती है भाइयों आप सबको साथ लेके चलूंगा सच्ची कौम का विश्वास जीतूंगा और सबको आपस में बिठा कर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और लोकसभा के अंदर अगर चला गया और का तो मुझे पता नहीं पप्पू को मैं परेशान जरूर करूंगा कोई बोला पप्पू को परेशान कैसे करोगे मैंने कहा आसपास सीट आ गई इतने से कहो पप्पू क्या हाल है और अगर वैसे दूर आ गई तो कागज के हवाई जहाज बढ़ाऊंगा और पप्पू की तरफ तो पप्पू परेशान किसे फेंके हवाई जहाज यही तरह से परेशान नाम लिख भेज दीजिए है नाम लिख भेजो पप्पू साहब भाइयों बहुत बहुत आपको धन्यवाद आगे भी बहुत कार्यक्रम है लाडजू से